नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए जून मास 2022 क्या क्या नई नई सौगातें लेकर आ रहा है और क्या शुभ और क्या अशुभ फल आपको प्रदान करने वाला है। मित्रों, इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। साथियों, अब बात करते हैं कि कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए जून मास 2022 कैसा रहने वाला है। मित्रों, आपको पता है कि हम जो भी 12 राशियों में से किसी भी राशि का जो राशिफल बताते हैं, चाहे वो वार्षिक हो, मासिक हो, साप्ताहिक हो या दैनिक हो, वो बिल्कुल सत्य और सटीक बताते हैं और सिर्फ उसी पर चर्चा करते हैं जो किसी भी राशि के साथ घटित होता है। तो आज हम यही चर्चा करने वाले हैं कि कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए जून मास 2022 50% शुभ रहने वाला है और 50% अशुभ रहने वाला है। यानी कि जून मास 2022 में कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के साथ 9 घटनाएं अशुभ घटित होंगी और 9 घटनाएं शुभ घटित होंगी। यानी कि 9 कार्य बनेंगे तो 9 कार्य बिगड़ेंगे। मित्रों, इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा एक नया ज्योतिष YouTube चैनल लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है पंडित राजगुरु शर्मा। उस पर आप पिछले भविष्य के बारे में और आने वाले भविष्य के बारे में अपनी सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसे आप तुरंत और अभी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, अब आते हैं हम टॉपिक पर। कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के साथ ऐसी कौन सी 9 घटनाएं अशुभ घटित होने वाली है, उन पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। होगा सबसे पहले जून मास में कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के साथ पहली अशुभ घटना ये घटित होगी, जून मास 2022 में बहुत ज्यादा भागदौड़, संघर्ष और मेहनत करने के बाद ही, कठिन परिश्रम करने के बाद ही कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत सफलताएं प्राप्त होंगी और धन का लाभ होगा, लेकिन कमाई कम और खर्चा भी ज्यादा होगा। दूसरा अशुभ संकेत ये मिलेगा, जो कुंभ राशि के जातक जातिकाओं ने जून मास 2022 में योजनाएं बना रखी हैं कि हमें ये कार्य करना है या हमारा ये सपना साकार हो सकता है या हमारी ये आशाएं पूर्ण होगी, तो उसमें कठिन परिश्रम करने के बाद ही और विलंब पड़ने के बाद ही वो कार्य आपका संपन्न होगा, यानी कि आशा अनुसार आपका वो कार्य नहीं बनेगा जैसा आप चाहते हैं। तीसरा अशुभ संकेत ये मिलेगा, जो कुंभ राशि के विद्यार्थी है उनको शिक्षा में कठिन परिश्रम करने के बाद ही और जी जान से मेहनत करने के बाद ही 1% शिक्षा में सफलता मिल सकती है और अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए शिक्षा के मामले में लापरवाही ना करें, मन लगाकर पढ़ाई करें, क्योंकि जून मास में आपका मन पढ़ाई से भी भटक सकता है, ऐसा आपके साथ होगा। नंबर 4 अशुभ संकेत ये मिलेगा, जो कुंभ राशि के जातक जातिकाएं बहुत ज्यादा भागदौड़ करेंगे और अचानक जो मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी उनकी वजह से कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं का स्वास्थ्य खराब होगा, जिसकी वजह से सर दर्द, नेत्र विकार, बुखार और पेट के विकार भी आपको परेशान कर सकते हैं। नंबर 5 अशुभ संकेत ये मिलेगा, जून मास में कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं को परिवार की वो जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, जिनके वजह से आपका धन बहुत ज्यादा खर्च हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति भी डगमगा सकती है। नंबर 6, परिवार में किसी बात को लेकर मनमुटाव या झगड़े का माहौल भी बन सकता है। नंबर 7, धार्मिक कार्यों में मन नहीं लगेगा, खर्चा बढ़ेगा, अचानक कोई आपका बनता बनता कार्य भी बिगड़ सकता है, जिससे आपका मन बहुत दुखित होगा और मन आपका भ्रम में पड़ सकता है। नंबर 8, जो कुंभ राशि के जातक जातिका किसी से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम संबंध काफी अच्छे रहेंगे, लेकिन पति पत्नी के संबंधों में मास के शुरुआत में थोड़ी कहा सुनी चलती रहेगी, लेकिन मास के अंत में कुंभ राशि के जो पुरुष है उनको पत्नी का सुख बहुत ज्यादा मास के अंत में प्राप्त होगा। नंबर 9, किसी विश्वास पात्र मित्र से
धोखा मिल सकता है, वो आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। ये 9 असुर संकेत कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के साथ जून मास 2022 में घटित होकर रहेंगे। मित्रों अब बात करते हैं ऐसे कौन से 9 शुभ संकेत हैं जो जून मास 2022 में कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के साथ घटित होने वाले हैं। सबसे पहला शुभ संकेत ये मिलेगा जो कुंभ राशि के जातक जातिकाएं व्यवसायिक यात्रा करेंगे, उन यात्राओं में मन चाहा आशा अनुसार धन लाभ भी होगा और वो यात्राएं आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगी। सोचे समझे लिए गए निर्णय सटीक प्रमाणित होंगे और मास के अंत में आपकी बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और आपका मनोबल बढ़ेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नंबर 3 शुभ संकेत ये मिलेगा कुंभ राशि के जातक जातिकाएं जून मास 2022 में कोई नई गाड़ी वाहन खरीद सकते हैं, नया दुकान प्लॉट मकान खरीद सकते हैं या उसे नए तरीके से बना सकते हैं और आपके घर में कोई मंगल कार्य भी हो सकता है जिससे आपके घर में मंगल गीत भी गाए जाएंगे। राज्य पक्ष संबंधित कार्यों में मन चाहे सफलता मिलेगी। नंबर 5 शुभ संकेत ये मिलेगा यदि कुंभ राशि के माता पिता है उनसे आपका बिगाड़ खाता चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, तो उनसे आपका मधुर संबंध बनेगा और ज्यादा से ज्यादा उनसे आपको सहयोग मिलेगा। नंबर 6 शुभ संकेत ये मिलेगा जो कुंभ राशि के जातक जातिकाएं राजनीति से जुड़े हैं उनको राजनीति में कोई अच्छा पद ग्रहण करना पड़ सकता है या कोई पार्टी या समारोह करने का जो प्लान बना रहे हैं वो सपना भी साकार हो सकता है। मान सम्मान भी आपको खूब मिलेगा और आपका स्वागत भी किया जाएगा। नंबर 7 शुभ संकेत ये मिलेगा जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी पुलिसकर्मी हैं या सरकारी अधिकारी है या सैनिक है उनके लिए जून मास का महीना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होने वाला है, मन चाही उन्नति और सफलता प्राप्त होगी। नंबर 8 शुभ संकेत ये मिलेगा जो कुंभ राशि के जातक जातिकाएं लॉटरी कमीशन सट्टा बाजार प्रॉपर्टी डीलिंग ठेकेदारी रोजमर्रा के कार्यों से जुड़े हैं उनको भी इनमें आशानुसार लाभ होता रहेगा। नंबर 9 शुभ संकेत ये मिलेगा यदि कुंभ राशि के जातक जातिकाओं का कहीं कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको जीत हासिल होगी और सफलता प्राप्त होगी, वो मुकदमा आपके फेवर में होगा। तो ये 9 शुभ संकेत जून मास 2022 में कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के साथ घटित होंगे, लेकिन जून मास की कुछ तारीखें कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए कष्ट भरी रहेंगी, उनमें थोड़ा सचेत रहे और सावधानी बरते। वो तारीखें कौन कौन सी है या तो आप उनको लिख लीजिए या फिर उनको याद कर लीजिए। 9, 10, 18, 21 और 27 ये जून मास 2022 की कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए थोड़ी कष्ट भरी रहेंगी, इन तारीखों में सचेत रहे, जितना हो सके सावधानी बरते और हर कार्य को सोच समझकर मीठी वाणी के साथ आगे बढ़ाए। हो सके तो कुंभ राशि के जातक जातिकाएं 7 शनिवार लगातार शनिदेव के व्रत करें या फिर नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर पंचमुखी हनुमान जी पर 7 शनिवार चोला चढ़ाए। ये उपाय करने से कुंभ राशि के जातक जातिका पर जो आने वाले संकट है परेशानी है वो कट जाएंगी और आपके जीवन में खुशहाली भरेगी। तो मित्रों मेरे प्यारे साथियों ये 18 घटनाएं कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के साथ जून मास 2022 में घट के रहेंगी, ये हमारा बिल्कुल सत्य और सटीक राशिफल है। मित्रों यदि आपको हमारे बताए हुए राशिफल में थोड़ी सी भी सच्चाई नजर आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि कोई भी जातक जातिकाएं अपनी जन्म कुंडली हस्तक रेखा मस्तक रेखा दिखाना चाहता है या फिर अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहता है या फिर अपनी जन्म कुंडली का शुभ ग्रह शांत कराना चाहता है या फिर जीवन में चल रही किसी भी समस्या को लेकर परेशान है, चाहे नौकरी की हो, बिजनेस की हो, व्यापार की हो, शिक्षा की हो, राजनीति की हो, कर्जा की हो, रोग की हो, शोक की हो, विदेश यात्रा की हो, विवाह की हो, शादी की हो, प्रेम संबंध की हो, संतान प्राप्ति की हो, भूत प्रेत जिंद पिशाच या टोना टोकटा वशीकरण कुछ भी समस्याएं आपके साथ गुजर रही है और उसका आप समाधान चाहते हैं तो उसके लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मित्रों यदि आप कोई भी जानकारी लेते हैं या जन्म कुंडली बनवाते हैं तो उसकी इंडिया में जो फीस हमारी वो 2100 रुपए है जो पहले जमा की जाती है, उसके 15 मिनट बाद हम जानकारी देते हैं और विदेशों में जो फीस हमारी जानकारी की वो 5100 रुपए है जो पहले पे की जाती है, और यदि आप किसी भी समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं तो उसकी अदर से फीस लगती है। तो मित्रों मेरे प्यारे साथियों मैं यही पर अपनी वाणी को देता हूं विराम
और आप सभी को करता हूं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ, जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद जय भारत।